तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन तक में। तो फिर आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड से बिहार बोर्ड 2019 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैट्रिक का रिजल्ट और इंटर के रिजल्ट के बारे में, दोनों ही रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो अभी कॉपी का मूल्यांकन इंटर का समाप्त हो चुका है और बिहार बोर्ड का मूल्यांकन जो स्टार्ट हो चुका है, तो फिर इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे आपको। तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दो। उसके सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में घंटी दिख रहा होगा, उसे भी दबा दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं इंटर के छात्रों के लिए। यहाँ पर इंटर के छात्रों के लिए बता देते हैं कि इंटर की कॉपियों को जमा करने की कवायद शुरू हो गई है। फिर तो आपका रिजल्ट है जो कि अब बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर इंटर का जो मूल्यांकन हो रहा था वो पूरा हो चुका है, उसके बाद कॉपियों को जमा करने की कवायद शुरू हो गई है। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं, आज का ये बिल्कुल ताज़ा खबर आया है। तो इसको मैं अभी पूरा पढ़ के बता देता हूँ डिटेल में क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और परीक्षा की सूची जमा करने की कवायद शुरू हो गई है। यानी कि दोस्तों, वार्षिक परीक्षा उत्तर पुस्तिका और प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल जो हुआ उसका सूची जमा करने की कवायद शुरू हो गया है। 23 मार्च की सुबह 9 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विशेष दूत मूल्यांकन केंद्रों पर पहुँचे। हालांकि उत्तर पुस्तिका जमा करने की यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्च माध्यमिक के परीक्षा नियंत्रण ने सभी मूल्यांकन केंद्रों के प्रभारी अफसरों को 23 मार्च को अपने अपने केंद्रों पर अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने को कहा था। जहाँ तक 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने की का सवाल है, तो उसकी कवायद भी शनिवार तक शुरू होगी। इसके लिए अंतिम तारीख 26 मार्च तय की गई। इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने की तिथि बढ़ाए जाने की संभावना। तो फैन यहाँ पर यह रहा इंटर के छात्रों के लिए। और मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो मैट्रिक के छात्र उनके लिए कुछ जो न्यूज आया है उसको मैं आप लोगों के सामने आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये प्रभात खबर का ये न्यूज फैन आया है, मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है, इंटर का 26 तक होगा पूरा। यानी कि इंटर के छात्रों के लिए 26 तक पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि 23 मार्च लास्ट डेट था, लेकिन फिर 3 दिन बढ़ा दिया गया है। इंटर के छात्रों के लिए यहाँ पर 26 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैट्रिक के यहाँ पर बता देते हैं, मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन जो कि अब शुरू हो चुका है, तो मैट्रिक का भी मूल्यांकन बहुत जल्दी से होगा, तो उसका भी जल्दी से रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको मैं सबसे पहले अपने चैनल पर, कोई भी न्यूज आता है बिहार बोर्ड से जुड़ा तो आपको मैं चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं मैट्रिक के छात्रों के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है, पूरा न्यूज में आपको पढ़ कर सुनाते हैं। इंटर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2019 की वैसी उत्तर पुस्तिका जो अभी भी जाँचनी बाकी रह गई उन्हें 26 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इधर मैट्रिक का मूल्यांकन कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो फिर यहाँ पर इंटर के छात्रों के लिए यहाँ बताया गया कि जो भी उत्तर पुस्तिका अभी भी बाकी रह गया उन्हें 26 तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैट्रिक के मूल्यांकन कार्य भी शुरू कर दिया गया। इस संबंध में बिहार बोर्ड ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा कि मैट्रिक मूल्यांकन कार्य में देरी न हो, इसके लिए शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला के मैट्रिक के सभी मूल्यांकन केंद्रों में मूल्यांकन कार्य का विषयवार समीक्षा कर ले। जिन जिन मूल्यांकन केंद्रों से मूल्यांकन की गति धीमी हो, उन पर मूल्यांकन केंद्रों पर 2 पालियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से कॉपियों को जांच करने का बिहार बोर्ड ने आदेश दिया है। यानी कि जो धीमा गति से जहाँ पर मूल्यांकन हो रहा है, उन मूल्यांकन केंद्रों पर 2 पालियों में सुबह 8 बजे से और दोपहर 1 बजे से 2 पाली में यहाँ पर जाँच करने का निर्देश दिया गया, मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए संबंधित मूल्यांकन केंद्र निदेशक को अपने स्तर से आदेश दिया जाए। इसके अलावा मूल्यांकन निदेशक अपने स्तर से भी 2 पालियों में निर्देश कराने का निर्देश दे सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर ये था बिहार बोर्ड का मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए जो मूल्यांकन चल रहा है, रिजल्ट के बारे में। जो भी आपका अगर क्वेश्चन हो तो हमारे चैनल हमारे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं।